दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 का रीजनिंग का सलूशन करने वाला है, जो 18 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। इससे पहले मैंने 39 शिफ्ट का रीजनिंग का सलूशन करा दिया है और बाकी 63 शिफ्ट का सलूशन है जो लगातार आपको मिलता रहा है। उम्मीद है आपको पढ़ाई अच्छी चलती रही होगी। और रीजनिंग का टेंशन आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग में आपका 20 में 20 आने की फुल गारंटी है। मैं आप बाकी आप ये सारे शिफ्ट के सलूशन को आप एक बार देख लीजिएगा और खुद से भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 100% चांस 20 में 20 होगा ही रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जीडी 2022 में आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, देखिए इसमें पासे का डाइस का क्वेश्चन, देखिए फोर्थ संख्या दर्शाने वाले के फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए कॉमन एक के विपरीत पर एक हो जाएगा और तीन के विपरीत पर यहाँ पर देखिए तीन हो जाएगा, तो बाकी कौन सा बचेगा, चार के विपरीत पर छः हो जाएगा, यानी कि चार के विपरीत तो कौन सा संख्या होगा, छः, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में लिखा गया मैग्नेट को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो कल्प्रिट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एम से एच कितना हो रहा है, देखिए माइनस का हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर एफ कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, क्योंकि ए के बाद कितना हो रहा है, बी सी डी ई एफ, आप उंगली पर भी गिन सकते हैं। उसके बाद देखिए जी से यहाँ पर टी कितना है, जी का टी वैसा ही रहने, देखिए यानी कि प्लट दिया गया, जी का और टी का विपरीत लिख दिया गया। उसके बाद देखिए एन से आई कितना हो रहा है, यानी कि माइनस का हो रहा है। एक बार जे के एल एम यानी कि माइनस का 5 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 5 हो रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ कल्प्रिट के साथ करेंगे, तो सी से हमें माइनस 5 करना होगा, यानी कि सी से माइनस 5 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू से हम प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल से हमें कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीन इधर हो गया और तीन इधर हो गया, बीच का कौन सा संख्या, बीच 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 का संख्या पी है, तो पी का विपरीत कौन सा होगा, के होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा बच गया, आर, आर से हमें कितना जाना है, माइनस का जाना है, यानी कि एम हो जाएगा। उसके बाद आई से हमें प्लस जाना है तो कितना हो जाएगा, आई से एन हो जाएगा। और टी से हमें फिर से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पर देखिए कितने डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट, यानी कि दो इधर से हो गए, दो इधर से, और बीच वाले संख्या का वैसा ही यानी कि पलट दिया गया, यानी कि विपरीत लिख दिया, जी का टी होता है लेकिन यहाँ पर 6 संख्या था, यानी कि 3 और 3 का पलटेंगे और बीच वाले संख्या का विपरीत लिखेंगे, तो पी का तो के लिख दिए विपरीत का। और यहाँ पर देखिए जब प्लस का 5 और माइनस का 5 करते गए आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पर विभाजन यानी कि डिवाइड दिया हुआ है, गुना का अर्थ यहाँ पर देखिए घटाओ दिया हुआ है, और भाग का अर्थ यहाँ पर गुना दिया हुआ है, यानी कि सभी को साइन को चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे इतना आंसर आता है, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 35 कितना मरते हुए जाएगा, 5, यानी कि 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और 5 से हमें गुना करना पड़ेगा 12, यानी कि 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी कि हमें 144 में से 60 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 84 हो जाएगा, और 84 यहाँ पर प्लस में हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 84 + 3 कितना हो जाएगा, 87, 87 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन, देखिए यहाँ यू से पी किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस का 5 हो रहा है, क्योंकि पी के बाद कितना होता है, क्यू आर एस टी यू यहाँ पर। उसके बाद देखिए पी से के यहाँ पर भी माइनस का 5, उसके बाद देखिए के से हम माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ के बाद ही जी एच आई जे के एल होता है, के होता है, 5 + 5 करने के। उसके बाद देखिए यहाँ पर के से एफ कितना हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का हो रहा है, जी एच आई जे के, यानी कि यहाँ पर भी माइनस 5 हो रहा है, वो तो हम ए से माइनस 5 कर देंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टी से ओ कितना हो रहा है, पी क्यू आर एस टी, यानी यहाँ पर भी माइनस 5, यानी कि सभी डिजिट में माइनस का 5 हो रहा है, तो हम जे से भी माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि एफ ई भी एफ भी ई कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन, देखिए जिस प्रकार फैक्ट्री का उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ रसोई में देखिए फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है, तो रसोई में क्या होता है, कोई चीज़ बनता है यानी कि पकाने का काम होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग यानी कि क्रम में दर्शाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर फर्स्ट में रो में देखिए पर 4, 2 और 1 दिया, यानी हमें कितना चेक करना होगा, 4 नंबर, उसके बाद 2 और 1, तीनों में से पहले कौन होगा, देखिए तीनों में एम ओ एन दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इसमें के है, इसमें ए, इसमें ई है, और इसमें देखिए एम ओ एन ए है, यानी कि पहले तो ए वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस डिजिट में देखिए 3, 4 और 2, यानी कि 4 तो हो चुका है, हमें 3 और 2 चेक करना पड़ेगा, 3 और 2 नंबर, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा, एम ओ एन, और उसके बाद देखिए इसमें ओ है और इसमें ई है, यानी कि पहले ई वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे डिजिट में देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद 4 है, फिर से 1 है, 3 है, यानी कि 4 और 2 तो हो चुका है हमें, यानी कि 1 और 3 चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 और 3 चेक करते हैं कौन सा पहले होगा, यहाँ पर 1 और 3 नंबर, देखिए दोनों में एम ओ एन है
और यहाँ पर के है फिर, और यहाँ पर ओ है, तो पहले तो के हो जाएगा यानी कि 4 2 1 हो जाएगा। और इतना ही से हम चेक करके देखते हैं, 4 2 1 यहाँ पर, 4 2 1 है, उसके बाद देखिए 4 यहाँ पर, देखिए लास्ट में 4 3 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 2 1 चाहिए था। अगर इतना ही से हम चेक करने के बाद आंसर मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं टाइम को तो ऐसे ही देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप रीजनिंग का क्वेश्चन करिएगा टाइम आपको मिलेगा, और आप मैथ के क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें से जो है वो संबंधित नहीं होगा। देखिए 16 से 17 कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए 17 से 25 कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए 25 से 52 कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए 52 से 116 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 64 बढ़ रहा है। अगर आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखिए ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, यानी कि अगले में 5 का क्यूब हो जाएगा, तब यहाँ पर हमें कितना होगा, 116 से 243 में हमें 5 के क्यूब कितना होता है, 125, यानी कि 116 में हम 125 ऐड करते हैं तो 243 क्या होगा, देखिए 6 5 11 के 1, हाँ से 1 यानी कि 3 1 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 1 2, यानी कि 241 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 243, यानी कि 243 वो असंगत संख्या है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रेकरिंग जो है इस प्रकार, ये किस प्रकार घूम रहा है, यहाँ पर देखिए 15 डिग्री घूम गया यानी कि इसमें आ गया, उसके बाद देखिए इसमें 1 और इसमें 2 हो गया यानी कि अगले में 3 हो गया, और उसके बाद देखिए 15 डिग्री घूमेगा तो यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और 4 रेकरिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 गोला है, यहाँ पर देखिए 2 गोला हो गया, यहाँ पर 3 गोला हो गया, उसके बाद यानी कि अगले में यहाँ पर चारों कोना पर 1 1 गोला हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 4 गोला तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा रेकरिंग चार्ट होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। उसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, उसका सेकंड ऑप्शन देखिए 4 गोला तो यहाँ बिल्कुल ठीक है कोने पर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 4 यहाँ रेकरिंग भी दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा कि आकृति निहित होगा, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि बिल्कुल नहीं दिया हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति है और ये ब्लैक वाला काला पार्ट जो है यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो ऐसा इस प्रकार दिया ही नहीं, यानी कि ये तो ऐसा ही गलत हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी एक ऐसा वाला पार्ट होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। देखिए फोर्थ में देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, देखिए 6 मित्र PQRSTU एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 6 सीट होना चाहिए। यहाँ पर 6 मित्र बोला कि 2 3 4 5 6, और सभी आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद देखिए एस जो है यू और क्यू के बीच में, अगर हम एस यहाँ पर ले लेते हैं तो यू और क्यू, यानी कि यू यहाँ पर और क्यू यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एस पी जो है एस के बाएँ दूसरे स्थान पर, यानी कि एस के बाएँ इस तरफ होगा, दूसरे स्थान पर पी यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए और टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, और टी यानी कि पी जो है टी के दाएं, यानी कि अगर टी भी यहाँ पर लेंगे तभी तो इस तरफ दाएं होगा, फर्स्ट स्थान पर ये हो गया और दूसरे स्थान पर पी हो गया, यानी कि पी बिल्कुल बैठ गया ठीक तरफ से। उसके बाद देखिए क्यू जो है टी और एस के बीच में बैठा है, क्यू जो है टी और एस, यानी कि टी और एस के बीच में क्यू यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सीट खाली है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया एस के सामने, यहाँ पर देखिए एस के सामने क्या ऑन होगा, एस के सामने में आर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। देखिए पी से यू कितना बढ़ रहा है, क्यू आर एस टी यानी कि प्लस का 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यू से जेड कितना बढ़ रहा है, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी प्लस 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए बी से जी प्लस 5, जी से 5 प्लस 5 करेंगे तो एल। उसके बाद देखिए यू से हमें कितना प्लस 5 करना है, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पर जेड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ए दिया, यानी कि यही असंगत संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 6 विद्यार्थी अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। उसके बाद देखिए रोहित 4थी रैंक पर, यानी कि हमें 6 यहाँ पर स्टूडेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 4थी रैंक पर कौन है, रोहित, यानी कि 2 3 4, यानी कि 4थी रैंक पर रोहित, आर से जनरेट कर दिए। उसके बाद बोला गया रोहित जो है कि बोला गया यहाँ पर देखिए सीमा के और किरण के बीच बैठा हुआ है। अगर हम मान के चलिए हम सीमा और किरण, तो अगर हम सीमा यहाँ पर ले लेते हैं, सीमा ऊपर में और किरण नीचे में ले लेते हैं। उसके बाद देखिए सीमा और किरण से और कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए सीमा और किरण कहाँ पर चले गए, यहाँ पर देखिए जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी, जया और सीमा। और उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है जया जो सबसे निचली रैंक पर, यानी कि जया यहाँ पर हो गई
और जया और सीमा के बीच में दो लोग यानी कि बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखिए मनीषा की रैंक अनीमा की रैंक के ठीक ऊपर है, यानी कि मनीषा की रैंक जो है अनीमा के ठीक ऊपर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद पूछा गया है पाँचवीं रैंक पर कौन है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचवीं रैंक पर किरण है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए कागज को काटने और मोड़ने के बाद कैसा आकृति बनेगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप ऑप्शन यहाँ पर जाइए और यह देखिए यहाँ पर जो ये कट वाला पार्ट है इसमें पलटेगा था, यानी कि एक ऐसा बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पलटेगा ऐसा बन जाएगा और ये जस्ट पलटेगा तो सभी में चार वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर भी चार वर्ग हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये पलटेगा तो यहाँ पर भी एक ऐसा यहाँ पर बन जाएगा और ये बीच के बीच में भी एक ऐसा बन जाएगा, यानी कि ऊपर में भी एक बनेगा और नीचे भी बनेगा, लेकिन साइड में कहीं पर भी कटना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, लेकिन कटने वाला पार्ट तो ऊपर में है ही नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया, सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर साइड में किसी प्रकार से कटना नहीं चाहिए थे, बिल्कुल ठीक है, और बीच में देखिए यहाँ पर चार रेकनिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वर्ग भी दिया हुआ है चार, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फोर्थ में देखिए यहाँ पर भी कट गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी वन और वृक्ष के दिया हुआ है, यानी कि पृथ्वी के अंदर में ही वन और वृक्ष होगा, पृथ्वी माने के चलिए बड़ा वाला पार्ट जो पृथ्वी हो गया। उसके बाद देखिए वन और वृक्ष एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि कुछ वन वृक्ष होते हैं और कुछ वृक्ष वन होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन को इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 से 121 किस प्रकार हुआ, यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, उसी प्रकार यहाँ पर 17 है तो 17 से कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में एस का कोडिंग कितना होता है 19 होता है, 19 का यहाँ पर 57 लिख दें, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से किया हुआ है। उसके बाद देखिए एल का कितना होता है 12, 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से 36 हो गया। ए का 1 होता है, 1 का यहाँ पर 3 कर दिया गया। उसके बाद एम का 13 होता है, 13 का यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 39 हो गया। उसी प्रकार हमें यहाँ पर क्लियर का बताना है तो क्लियर का उतना ही करेंगे। यहाँ पर सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, 3 का हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से कितना हो जाएगा, सभी में मल्टीप्लाई 3 करना है, यानी कि 9 हो जाएगा। एल है, उसके बाद एल का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई का 15 हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा 18, 54 हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया, इसको आराम आराम से बनाएंगे ये आसानी से बनेगा, हर बारी करेंगे तो ये नंबर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए रावली का कोई भाई नहीं है, उसके बाद देखिए गिरिमा जो है अर्जुन की पत्नी है, यानी कि हम गिरिमा को जी से डिनोट करेंगे और अर्जुन की पत्नी है, यानी कि अर्जुन को हम ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया जाकिर जो है मालवी का पति है, जाकिर जो है मालवी का पति, यानी कि जाकिर जो है मालवी, मालवी को हम एम से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये पत्नी और ये पति हो गया। उसके बाद देखिए छाया जो है रावली के पुत्री है, यानी कि छाया जो है रावली की पुत्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जाकिर या मालवी या हमें गिरिमा या अर्जुन से रिलेट करना है, तो इसी प्रकार ये ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर देखिए गिरिमा जो है छाया की मौसी है और गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध पूछा गया है। उससे पहले यहाँ पर देखिए बोला गया है मालवी जो है रावली की माँ है, यानी कि मालवी जो है यानी कि रावली, यानी कि रावली यहाँ पर लिखेंगे तभी तो ये रावली की माँ मालवी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ बोला गया है छाया, यहाँ पर देखिए छाया जो है रावली की पुत्री है, यहाँ बोला गया है छावली रावली की पुत्री, रावली की पुत्री कौन होगी छाया, छाया को हम सी एच से डिनोट करेंगे। और उसके बाद देखिए बोला गया है यहाँ पर देखिए फातिमा अर्जुन की पुत्री है, फातिमा जो है अर्जुन की पुत्री है, यानी कि इसकी पुत्री कौन हो गई फातिमा। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है गिरिमा जो है छाया की मौसी है, यानी कि छाया की मौसी होने के लिए यानी कि गिरिमा को यहाँ पर होना चाहिए और अर्जुन यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इसको नहीं होना चाहिए, इसको मिटा लेते हैं। मौसी होगी तभी तो इन दोनों की ये बहन हो जाएगी, गिरिमा और रावली दोनों बहन हो गई और तभी ये इसकी मौसी कहाएगी। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध, यानी गिरिमा जाकिर के पिता हो जाएंगे या इनकी ये पुत्री हो जाएगी, ये दोनों पुत्री हो गए गिरिमा और रावली, इनके दोनों पुत्री हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए सी का डी लिख दिया, यानी कि +1 कर दिया गया। ए से भी यहाँ पर सी कितना हो रहा है +2 कर दिया गया। एल से ओ कितना है MNO, यानी कि +3 हो गया। एम से क्यू कितना है NOPQ, यानी कि +4, यानी कि 1, 2, 3, 4 कर दिया गया। उसी प्रकार ये हमें कुक के साथ कर देंगे तो कलो कुछ सी से हमें डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ से कितना करेंगे +2 करेंगे, यानी कि क्यू हो गया। उसके बाद ओ से फिर से हमें +3 करना पड़ेगा तो आर हो जाएगा। उसके बाद के से हमें +4 करने के बाद ओ हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया होगा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें सीरीज के फिगर सीरीज का क्वेश्चन दी, जिस प्रकार ये ऑप्शन सभी प्रकार है उसी प्रकार ये होना चाहिए। यहाँ पर देखें डी से जी कितना हो रहा है ई एफ जी, यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एल से एन कितना हो रहा है,
एम एन यानी कि प्लस का दो हो रहा है। उसी प्रकार एक्स वाई जेड यहाँ पर भी प्लस दो है, पी के बाद क्यू आर यहाँ पर भी प्लस दो है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिसे प्लस करने पर दो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चलिए ए लेते तो ए के बाद प्लस दो करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी और सी होना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बी हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर बी से के बाद प्लस दो करेंगे तो सी डी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक से दो यानी कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, उसका देखिए दो से नौ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर सात बढ़ रहा है, उसका देखिए नौ से चौंसठ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि ये सीरीज इस प्रकार ये नहीं बन रहा है, कुछ दूसरा प्रकार इसमें लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप इस पर क्वेश्चन को एक ध्यान से देखें, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर नौ, यहाँ पर चौंसठ, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पूछा गया है। अगर यहाँ पर देखिए ये जो है एक का क्यूब मान लेते हैं, इसको हम एक का क्यूब मान लेते हैं, यानी कि इसको हमें दो का स्क्वायर मानना चाहिए, यानी कि यहाँ पर चार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नौ यानी कि तीन का स्क्वायर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चौंसठ जो है चार का यहाँ पर क्यूब है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर पाँच का यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर कौन सा होगा यहाँ पर पच्चीस का स्क्वायर, यहाँ पर 625 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 625। ये बाकी ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी प्रकार से सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था। अभी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में पूछ दिया गया तो इसको भी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, रोहित अपनी मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान कर देता है, उसके बाद शेष आय यानी कि 15% दान कर दिया तो कितना हो गया, यानी कि 85 बच गया। उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च की जाती है, भोजन पर 35%, किराए पर 20%, बिल पर 17%, कपड़े पर 8%, यानी कि टोटल कितना हो गया 35-20 कितना हो गया 30-20-50-55 हो गया, 55 और 10-65 और 7 कितना हो गया 72-72-88, यानी कि टोटल 80% उसके बाद खर्च दिया और शेष का बचत करता है, यानी कि 80% खर्च होने के बाद कितना बच जाएगा 20%, यानी कि 85 का हमें 20% निकालना है, कितना हो जाएगा 20%, यहाँ पर यह हो जाएगा 20/20/100 हो जाएगा, यानी कि 20/50 यानी कि 1/5 और 5/17 यानी 17% बच जाएगा, 17% का वैल्यू यहाँ पर 14,624,620 दिया, यानी कि 17 का यहाँ पर वैल्यू दिया हमें रोहित की मासिक, यानी कि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17×8=136 होता है, यानी कि इसके बाद 10 बच जाएगा, 102 हो गया और 17×6=100 यानी कि 86 हो जाएगा, उसके बाद 10 और उसका 00 यानी कि 86,000 इसका मासिक आय हो जाए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और एनालॉगी का क्वेश्चन दिया है, कोडिंग के रूप में देखिए आई एन को यहाँ पर एन आई पर यानी कि पलट दिया गया, तो उसी प्रकार हम एस ई को पलट देंगे तो ई एस हो जाएगा, उसके बाद देखिए लास्ट का भी पलट दिया गया, आर टी को टी आर लिख दिया तो हम एन डी को डी एन कर देंगे, उसके बाद बीच वाले संख्या के साथ देखिए क्या किया गया, एस से यहाँ पर एक्स लिया गया यानी कि प्लस का यहाँ कितना किया गया है टी यू वी डब्ल्यू एक्स यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, तो हमें अभी बीच वाले संख्या एस के साथ हमें सी के साथ हमें प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा डी ई एफ जी एच हो जाएगा, उसके बाद देखें ई से यहाँ पर जेड कितना हो रहा है माइनस का 5 हो रहा था, हम उसे माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा दिया, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा दिया वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच वाले संख्या में यहाँ पर कितना आएगा, अगर यहाँ पर देखें तो यह होता है 8 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 27 कितना है 3 का क्यूब, यानी कि 8×3 कितना हो गया यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये सभी क्यूब मान के चलिए, यहाँ पर 64 यहाँ पर 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, उसका 216 6 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है, उसका 512 8 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, उसी प्रकार ये किया हुआ 4×3=12 बीच वाला संख्या आ गया, वहाँ पर 6×7 कितना हो जाएगा 42 यानी कि बीच में 42 आ जाएगा, उसका देखिए 8×5=40 यहाँ बिल्कुल 40 दिया हुआ, यानी कि सभी यहाँ पर लास्ट वाला जो संख्या दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ, और क्यूब का जो रूप है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि बीच वाला संख्या आ गया, यानी कि 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी फल तने यानी कि सभी फल जो है तने यानी कि फल पूरा जो है तने के अंदर में टी के अंदर में आ रहा है, उसके बाद देखिए कुछ फल पत्तियाँ हैं, कुछ फल जो है पत्तियाँ यानी कि पी से हम पी पत्तियाँ को डिनोट कर देंगे, उसका निष्कर्ष देखिए कुछ तने पत्तियाँ हैं, कुछ तना वाला पार्ट जो है पत्ते यहाँ पत्ते के अंदर में बिल्कुल आ रहा है यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा, उसके बाद देखिए कुछ पत्तियाँ फल है यानी कुछ पत्तियाँ फल के अंदर में भी आ रहा है यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ निष्कर्ष सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए दर्पण को दाएं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, दो वाला पार्ट इस तरफ से चलाएगा, यहाँ पर देखिए दो का ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहना चाहिए था लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे से पलट गया, नहीं तो ये तो गलत हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर दो होना चाहिए था, यहाँ पर ई लिख दिया ये भी गलत हो गया,
उसके बाद देखें 2 और 4 नंबर तो ठीक है, उसके बाद देखें जेड भी दोनों में ठीक है, उसके बाद देखें जी वाला पार्ट जो है यहाँ पर जी का पार्ट ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें फोर्थ में देखें जी का पार्ट नीचे वाला ऊपर कर दे, ये गलत है, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दीजिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर SSC के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हों उन सभी का रीजनिंग का सोलूशन और साथ में स्टैटिक जीके और GK के मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का PDF डाला हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कि यहाँ पर वीडियो देखने से कुछ काम नहीं चलने वाला है, आप एक बार वीडियो देखिए और आप खुद से भी बनाने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।